ठीक है तो जेंडर लॉज जो है वो मैंने आपको इनक्वालिटीज़ एंड इशूज़ वाले टॉपिक में ही एक्सप्लेन कर लिया था तो ये पार्ट भी आपका हो गया है जेंडर लॉज वाला सेकेंड आपका रहता है ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक अब आपको ये काम करना है आप देखो यूनिट सेकेंड का सेकेंड चैप्टर है आपका ह्यूमन राइट्स एंड यूनिट थर्ड का आपका फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर क्या है दैट इज अगेन योर ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन एंड इसका सेकेंड चैप्टर है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक है तो जो ये ह्यूमन राइट्स है ये आपको दो जगह पढ़ने हैं आपको यहाँ पे भी पढ़ने हैं एंड आपको ये यूनिट थर्ड में भी पढ़ने हैं ठीक है थीके? तो हम क्या करेंगे यहां पे हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे सारा एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट दैट इज यू डी एच आर वो भी मैं आपको यहीं पर पढ़ाऊंगी इससे आपका यूनिट से थर्ड के दो चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे एंड यूनिट सेकेंड का सेकंड चैप्टर तो है ही ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से विच इज ह्यूमन राइट्स ठीक है तो ह्यूमन राइट्स बेसिकली होते क्या है आपको जो राइट्स मिलते हैं फॉर बीइंग ह्यूमन अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करो वो राइट्स आपको क्यों मिले हैं क्योंकि आप किसी कंट्री का पार्ट हो आप किसी कंट्री के सिटीजन हो आप इंडियन हो तो आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंगली आप ह्यूमन हो तो आपके कुछ बेसिक राइट्स जो आपको देना है वो काफी जरूरी राइट्स हैं जो एटलीस्ट आपकी डिग्निटी को मेनटेन रखे एंड आपके ऑनर को मेंटेन रखे उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स तो दे आर एंटाइटलमेंट्स ड्यू टू एवरी मैन दैट दैट मीन जो ड्यू है हर आदमी के लिए हर औरत के लिए एंड हर बच्चे के लिए क्यों क्योंकि वो ह्यूमन है तो यहाँ पे ये बात नहीं आती क्योंकि वो किसी कंट्री का पार्ट है वो सिटीजन है किसी कंट्री के नहीं उनको वो बेसिक राइट देना जरूरी है इस वजह से क्योंकि वो इंसान है ठीक है जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट के डिराइव फ्रॉम कहाँ से ह्यूमन डिग्निटी से और इनहेरेंट वर्थ से ऑफ बींग ऑफ अंग सजेस्ट किया जाता है कि वट एवर एड्स टू ह्यूमन डिग्निटी जो भी हमारे डिग्निटी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे ऑनर एंड डिग्निटी को मेनटेन और प्रोटेक्ट करने के लिए और फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ह्यूमन ये जो चीजें हैं जो भी चीजें इनमें एड करती एड की जाती हैं वो एक ह्यूमन राइट right कहलाती हैं ठीक है तो ये बेसिक था ह्यूमन राइट right का फॉर्मली ह्यूमन राइट्स जो है इनको प्रोक्लेम किया गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दैट मीनस ये जो राइट्स हैं इनको ऑफिशियली कहाँ अनाउंस किया गया था यू एन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज योर यू डी एच आर ये हमें पढ़ना है सेपरेट टॉपिक है जैसे मैंने आपको बोला और अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ठीक है जो किसकी बॉडी है जो किसकी असेंबली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की और एक अब किया गया था 10 दिसंबर 1948 में इसको पहली बार ऑफिशियली अनाउंस किया गया था तो ये इवॉल्व कहाँ से हुआ था इसका एवोल्यूशन और उसके पहले क्या चीजें हुई थी जिनकी वजह से ह्यूमन राइट्स जो है उनको ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ा वो सारा हम इन वीडियोज में देखेंगे एंड इट वॉज पुट इन पुट इन टू अ लीगल फॉर्म इन अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल एक्ट्स एंड ट्रीटीज वो भी हमें इस वीडियो में देखना है आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो ह्यूमन राइट जो आपकी डिग्निटी मेंटेन करता है एंड देन उसको ऑफिशियली प्रोक्लेम किया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में और ये अडॉप्ट किया गया था यूएनओ ने यूएनओ ने इसको अडॉप्ट किया था यूएनओ की कौन सी असेंबली जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और ये सब कब हुआ था टेन डिसम्बर नाइनटीन में ठीक है प्रोफेसर होफेल्ड ने चार चीजें कही थी जो एक राइट right को कवर करती है दैट आर योर क्लेम्स प्रिविलेजेस या और लिबर्टीज पावर्स एंड इम्यूनिटीज ठीक है क्लेम्स क्या होता है बेसिकली जो आप राइट्स के थ्रू क्लेम कर पाते हो फॉर एग्जाम्पल आप फंडामेंटल राइट right पढ़ते हो उसमें आपको कुछ राइट right मिलते हैं ठीक है राइट right, uh, जैसे राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी या रिलीजन फ्रीडम ठीक है राइट टू रिलीजन आपको मिलता है वो आपके फंडामेंटल uh, राइट्स में आता है रिलीजन फ्री रिलीजन फ्रीडम आपको मिलती है फाइन तो बेसिकली ये राइट right क्या है ये क्लेम है अगेंस्ट द स्टेट वो कैसे कि आप स्टेट आपको आ, इस बात पे आप थोप नहीं सकती है आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है जब आपको एक राइट right मिलता है दैट मीन्स यू हैव द राइट टू प्रोफेस योर ओन रिलीजन टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ योर ओन लाइकिंग आपकी मर्जी आपको हिंदू रहना है आप हिंदू रहो आपको मुस्लिम रहना आप मुस्लिम रहो सिख रहना है क्रिश्चियन रहना दैट इज योर ओन चॉइस ठीक है तो ये जो फ्रीडम दिया है आपको रिलीजियस फ्रीडम ये एक राइट right है तो हम बोल सकते हैं राइट right का एक पार्ट क्लेम भी आता है वो क्लेम जब अगेंस्ट द स्टेट करते हो कोई गवर्नमेंट करते हो या इंडिविजुअल पर्सन करते हो आपको फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ जा रहे हो ये आपका राइट है आपको कहीं पहुंचना है आप टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन जा रहे हो आपको कोई इंडिविजुअल नहीं बोल सकता कि नहीं आप नॉर्थ नहीं जा सकते आपको साउथ जाना है क्योंकि आपके पास राइट है आपकी मर्जी आप कहा जाओगे तो ये जो क्लेम है ये इनहेरेंट है अंडर राइट तो राइट ये भी कवर करता है क्लेम ये क्लेम है अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन की वो आपको फोर्स नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए इसमें प्रिविलेजेस भी आते हैं लिबर्टीज जो आप एंजॉय करते हो एंड पावर्स जो मिलता है जो भी अथॉरिटीज होती है उनके पास जो पावर होता है एंड कुछ इम्यूनिटीज जो आपके लीडर्स वगैरह को मिलती है फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में क्या होता है पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती है वहाँ पे अगर मिनिस्टर्स कुछ बोलते हैं उस वजह से उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है उनको एक इम्यूनिटी मिलती है जो वो एन्जॉय करते हैं फॉर बींग एन एम पी ठीक है तो वो भी एक टाइप का राइट right है तो एक क्लेम होते हैं अगेंस्ट स्टेट्स इसमें प्रिविलेजेस आती हैं आपके पावर्स आते हैं एंड आपकी इम्यूनिटीज आती हैं इन शॉर्ट आप बोल सकते हो राइट्स आर नथिंग बट देर क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल पर्सन अब आपको राइट्स या तो लीगल देखने को मिलेंगे या तो मॉरल लीगल राइट्स होते हैं लेड डाउन बाय लॉ ठीक है और मॉरल राइट्स होते हैं जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस होते हैं इतना तो हम सबको पता है ना कोई चीज़ अगर हो रही होती है क्या ये चीज़ फेयर है कि नहीं ठीक इस है इसमें जस्टिस है कि नहीं जब वो सारी बातें आप उठती हैं तो उनको हम मॉरल राइट्स बोलते हैं एंड वो बातें जो रिटर्न फॉर्मेट में आपके लॉ में प्रेजेंट होंगी वो आपकी लीगल और क्विफाइड उनको राइट्स बोलते हैं द टर्म ह्यूमन राइट्स जो है इट इज़ ऑल कॉम्प्रेहेंसिव क्योंकि इसमें आपको सिविल राइट्स भी मिलेंगे पॉलिटिकल भी मिलेंगे इकोनॉमिक सोशल कल्चरल कलेक्टिव और ग्रुप राइट्स तो ये सारे राइट्स जो होते हैं ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड होते हैं इसलिए इनको कॉम्प्रहेंसिव कहा जाता है क्योंकि इनमें इन डेप्थ कवरेज होती है राइट्स की इन डेप्थ कवरेज ऑफ राइट्स तो ये राइट्स का हर डायमेंशन जो है वो ऐड करते हैं सिविल पॉलिटिकल ये हमें आगे देखना है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी पहले नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स क्या होता है देखो जहां पे हम नेगेटिव राइट्स बोलते हैं ये होता है एब्सेंस बताता है एब्सेंस ऑफ स्टेट एब्सेंस ऑफ स्टेट एक्शन ठीक है वो क्या हुआ जैसे मैंने अभी आपको राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की एग्जाम्पल दी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम तो वहां पे मैंने आपको क्या कहा कि जो स्टेट है आपकी वो आप पे थोप नहीं सकती कोई रिलीजन वो आप पे एक्ट नहीं कर सकती कि नहीं आप हिंदू हो लेकिन आपको मुस्लिम की तरह रहना है आप मुस्लिम हो आपको हिंदू की तरह रहना है वो स्टेट नहीं कर सकती है दैट मीन्स वहां पे स्टेट का एक्शन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको हम नेगेटिव राइट right बोलते हैं आपका पॉजिटिव राइट right क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ठीक है ये आपके इसमें आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है मैंने कल भी कहा था अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन तो ये कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क चलो इसने तो बोला ऐसा होता है लेकिन फिर क्या होता है जो आपकी स्टेट होती है आपकी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी पॉलिसीज लेके आता है वो कहीं ना कहीं ये चीज को ऑफिशियली अनाउंस करता है कि अगर आप कोई एक कंपनी है तो उसकी इसमें आना चाहिए रूल्स में कि वो इक्वल पे प्रोवाइड करेंगे फॉर इक्वल वर्क टू बोथ मैन एंड वुमेन दैट मीन्स यहाँ पे स्टेट जो है वो एक्ट कर रही है स्टेट का कोई एक्शन इन्वॉल्व है तो इसको हम पॉजिटिव राइट right बोलेंगे और जहां पे स्टेट को कुछ नहीं करना है अगर आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और आप चल रहे हो आपको कोई पुलिस वाला आके थप्पड़ नहीं मार सकता आप क्यों चल रहे हो क्योंकि वहां पे एब्सेंस होनी चाहिए स्टेट एक्शन की वहां पे आपकी स्टेट कुछ नहीं कर सकते है, वो राइट्स आपको दिए गए हैं तो उनको नेगेटिव राइट बोलते हैं एंड पॉजिटिव राइट्स है जहां पे स्टेट को एक्ट करना है अगर कोई आर्टिकल है मैंशन की इक्वल पे है फॉर इक्वल वर्क तो स्टेट को काम करके ऐसी पॉलिसीज लानी है और ये देखना है क्या इक्वल पे मिल रही है या नहीं ठीक है थ्री ऑफ ह्यूमन राइट इमर्ज एट द इंटरनेशनल लेवल दे आर योर सिविल एंड पोलिटिकल राइट वन सेकेंड इज इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट टू एंड थर्ड वन इज योर ग्रुप एंड सोलिडेटरी राइट्स आपका जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट right का एंड आई सी सी पी आर दट इज इंटरनेशनल कोविनेट ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट इन्होंने रिकोगनाइज किए हैं मेनी सिविल एंड पोलिटिकल राइट अब देखो ये क्या क्या होते हैं सिविल एंड पोलिटिकल दैट इज योर राइट टू लाइफ लिबर्टी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी टॉर्चर आर्बिटरी अरेस्ट डिटेंशन और एग्जाइल राइट टू फेयर ट्रायल जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको कोर्ट में टाइमली प्रेजेंट किया जाए वो आपका ट्रायल होता है

तो इनने रिकग्नाइज़ किए कुछ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट सिविल राइट्स होते हैं जो आपको जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हो गई ठीक है जो बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी आपको मिलते हैं पॉलिटिकल राइट right जो पॉलिटिकली आपको मिलते हैं इनसे राइट टू फ्री ट्रियल राइट टू फ्री ट्रायल हो गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया ठीक है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन ये सारी चीज़ें आपके पॉलिटिकल राइट्स में आ जाएंगे तो ये राइट right भी ह्यूमन राइट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं सिविल एंड पोलिटिकल राइट को दीज राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन राइट्स ठीक है ये याद रख लेना 1970's में क्या हुआ? सेट ऑफ़ तो मैंने आपको कहा था ह्यूमन राइट्स ऑल कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं उसमें सिविल पॉलिटिकल आ जाता है इकोनॉमिक सोशल कल्चर आता है एंड थर्ड वन आता है आपका कलेक्टिव और ग्रुप जो कलेक्टिव ग्रुप है इसको हम थर्ड जेनरेशन राइट्स भी बोलते हैं ठीक है तो ये नाम भी आप याद रख लेना इसमें कौन कौन से आते हैं आपके राइट टू डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो सीन एज ए राइट ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू पीस क्लीन नेचुरल एनवायरमेंट ओन टू वन ओन नेचुरल रिसोर्सेज एंड वंस ओन कल्चरल हेरिटेज ये सारे जो राइट्स हैं ये आपके थर्ड जनरेशन राइट्स हैं जिनको हम ग्रुप राइट्स भी बोलते हैं हम देखो नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स कुछ हम इनके फीचर्स डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स के ह्यूमन राइट्स जो होते हैं दे आर यूनिवर्सल मॉरल राइट्स राइट्स दे बिलोंग टू एवरीबडी बिकॉज दे आर ह्यूमन ठीक है तो वो यूनिवर्सल होते हैं कोई ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं वेस्ट कंट्रीज़ को या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को मॉडर्न वर्ल्ड को बिलोंग करता हूँ मॉडर्न कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज को तो ये मुझे ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए नहीं ये यूनिवर्सल है आप किसी भी कंट्री में हो आप गरीब अमीर मिडिल कंट्रीज ठीक है मिडिल इनकम कंट्रीज कहीं पे भी हो आपको वो राइट्स मिलेंगे तो बाय डेफिनेशन दीज आर नॉट अर्न बॉड और इनहेरिटेड ये इनहेरेंट होते हैं इन ह्यूमन डिग्निटी और हर किसी की ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमन वर्थ को प्रोटेक्ट करना हर किसी का काम है

दे आर यूनिवर्सल इन देंस दैट द ट्रांसजेंड द नैशनल बाउंड्रीज और आइडियालॉजीज़ वो ट्रांजेंड करती है नेशनल बाउंड्रीज मतलब अगर यहाँ पे आपका इंडिया है ठीक है यहाँ पे आपका पाकिस्तान है यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है तो नेशनल बाउंड्रीज ये क्रॉस कर देती है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कंट्री के हो कौन सी बाउंड्री क्या है ये जो ह्यूमन राइट्स है यूनिवर्सली सारे ग्लोब पर एप्लीकेबल है

कि जो भी राइट सारे मेंशन है उनकी कोई हेरकी नहीं है दैट मीन्स ऐसा नहीं है जो नंबर वन पे होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर टू पे होगा वो कम इंपॉर्टेंट है सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उनमें से कोई एक राइट निकाल के लेके आओगे और बोलोगी ये इतना राइट काफी नहीं वो हर राइट दूसरे राइट पर डिपेंड करता है दैट मीन्स आपके लिए इक्वली सारे राइट्स आपको देना जरूरी है एंड इक्वली सारे राइट काफी इंपॉर्टेंट भी है दीज राइट्स आर नॉट एप्सोल्यूट और अनलिमिटेड सम ऑफ देम कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी और पब्लिक ड्यूरिंग वॉर और पब्लिक इमरजेंसी अब देखो एब्सोल्यूट राइट कौन से होते हैं जो किसी भी हालत में चेंज नहीं होते हैं ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है राइट्स हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होते हैं उन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं जो आपने फंडामेंटल राइट्स में आई होप पढ़ा होगा अगर आप वो अभी पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी वाला पार्ट तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस पोज की जाती है ना आप पे कि अगर आपको कोई राइट दिया गया है ठीक है आपको राइट टू मूवमेंट दिया गया है लेकिन उसमें कोई आप पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप किसी ऐसे एरिया में नहीं जा सकते जहां पे जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा जहां पे प्रोहिबिटेड होगा जाना ठीक है तो वो रेस्ट्रिक्शन कौन लगाता है आप पे वो रेस्ट्रिक्शन आप पे गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मेरे को तो फंडामेंटल राइट right है मेरी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मेरी मर्जी में कुछ भी बोलूँ किसी के अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है आर्टिकल नाइनटीन फाइन इसका मतलब ये नहीं ना आप खड़े होके सड़क पे सबको गालियां निकालोगे आप पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की जाती हैं ताकि इस राइट right को आप एंजॉय करो लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो कि आपके ऊपर चेक भी रखा जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं आप खड़े होकर लोगों को गालियां निकालना शुरू कर दो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड नहीं होते हैं दैट मीन्स हर कंडीशन में आपके पास नहीं होंगे अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी वाला टाइम है या वॉर वाला टाइम है तो इन राइट्स को सस्पेंड भी किया जाता है उस टाइम के लिए इनको थोड़ी देर के लिए रोका जाता है ये कुछ इनके प्रिंसिपल्स हो गए इनका एवोल्यूशन ऑफ द राइट्स देखते हैं डोमेस्टिक लेवल पे अब जो राइट्स एंड ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है जब से आपकी ह्यूमन स्पीशीज आई तब से आपके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज भी हैं अब आप बिल्कुल अर्ली मैन कंसीडर करो जो पत्थर रगड़ के वहां से आग के वो स्पार्क आ गया फिर वो आग जल गई वो अर्ली मैन जो हम पढ़ते थे बचपन में हिस्ट्री बुक्स में वहां पे भी देखो अगर कोई हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा है वो एनिमल्स को जाके हंट करता है तो कोई एक एरिया होगा जो जहां पे उसने सोचा होगा कि हमारा राइट right है हमें मतलब हम ज्यादा पावरफुल हैं तो वहां पे जाके जो एनिमल्स आते हैं हम वहां पे उनको हंट कर सकते हैं वो राइट right समझता होगा उस चीज को एंड देन वो ये भी सोचता होगा अब जो मैं हंट करके लेके आया हूँ ये मेरी ड्यूटी है मैं अपने जो लोग हैं उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो एक आप बोल सकते हो बिल्कुल र्यूडिमेंट्री फॉर्म या बिल्कुल अर्ली फॉर्म ऑफ जो रॉ फॉर्म ऑफ राइट एंड ड्यूटी है इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन स्पीशीज के साथ ही आया कुछ राइट्स आपको लगता है कि आपके पास होने चाहिए उस टाइम पे भी अर्ली मैन भी वो भी फालतू में किसी को जाके कत्ल उनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि राइट टू लाइफ है लेकिन उनको भी इतना बेसिक सेंस होता कि मैं जाके किसी का कत्ल नहीं कर सकता मेरे पे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो इनहेरेंट है इसका यही मतलब हो कि इनका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली बहुत पुराना है फिर अभी तो ये हुआ ना कि इनको कोडिफाई किया गया और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आए

एंड देन आप नानवाई पे डिपेंड करते हो क्योंकि वहां से जाके आपको रोटी लेके आनी है आप ग्रोसरी पे डिपेंड करते हो ओनर्स पे क्योंकि आपको जाके उनकी शॉप से ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है तो इंसान सेल्फ सफिशियंट नहीं है अपनी नीड्स के लिए उसको बाहर निकलना पड़ता है इसीलिए बोला जाता है जो मैन है ही इज नॉट सेल्फ सफिशियंट

थ्रू दीज रिलेशनशिप्स मैन इवॉल्व सर्टन नॉर्मस ऑफ सोशल बिहेवियर विच गॉड क्रिस्टिलाइज ओवर सेंचुरी स्ट्रगल इन टू वॉट वी कॉल टूडे एस ह्यूमन राइट्स तो यही जो नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर है कि आपको सोशली एक्चुअली कैसे सोशली uh, आपको बिहेव कैसे करना है एक्चुअली वही नॉर्म्स जो है वही आपके ह्यूमन राइट्स बनते हैं सोशल बिहेवियर आपका डिपेक्ट करेगा आपका रिलेशन दूसरे इंडिविजुअल के साथ सोसाइटी के सोशल बिहेवियर में ये भी आएगा कि स्टेट और गवर्नमेंट के साथ आपका कैसा रिलेशन होना चाहिए और स्टेट और गवर्नमेंट का रिलेशन आपके साथ कैसा होना चाहिए तो ये सारी बातों को जब क्रिस्टलाइज किया गया दैट मीन्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में और प्रॉपर उनको शेप दी गई ओवर सेंचुरी स्ट्रगल दैट मींस काफी ऐसे रेवोल्यूशन हुए थे ये चीजें हो रही थी हिस्ट्री में जिसकी वजह से ये सारी बातें सामने आई इन सब चीजों की वजह से जो इन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर ने एक पर्टिकुलर शेप ले ली उनको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स तो डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप देखो क्या इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ तो उनका ओरिजिन इंसान देख सकता है गया, आए। रिपब्लिक बनाया गया उसको। इन जहां पे और एथिक्स की बातें हुई मोरालिटी इन एथिक्स या इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट सिस्टम मुस्लिम वर्ल्ड का या पंचायत सिस्टम इन इंडिया का ठीक है ये सारी जो चीजें हैं ये आप बोल सकते हो ये भी एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स था जो कहाँ पे हो रहा था डोमेस्टिक लेवल पे आपकी अपनी कंट्रीज में जो इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं हो रही थी ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या चल रहा था बट द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इन दोस्टम्स वाज नॉट फुली डेवलप्ड एंड अंडरस्टूड इन व्हाट वी नो टूडे क्योंकि जब इसने एक इंटरनेशनल कैरेक्टर लेके आया ये राइट्स वाला इशू तो इसको इंटरनेशनली डिस्कस किया गया और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी असम्बली में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको ऑफिशियली अडोप्ट किया गया स अभी हर कंट्री जो है उस पर अप्लाई होगा और हर कंट्री को जो है ये बातें सुननी पड़ेंगी फिर वो कंट्री बाउंड है ये फॉलो करने के लिए या नहीं वो देन अलग हमारा इशू रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे लेकिन कहने का ये मतलब है कि पहले डोमेस्टिक लेवल पे था हर कंट्री में अपनी अपनी कंट्री में बातें हो रही थी बाद में इसको एक इंटरनेशनल कैरेक्टर मिला और इसको ऑफिशियली जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में फाइनली उसको अडॉप्ट किया गया ठीक है आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सारा एवोल्यूशन जो है वो एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे नहीं तो फिर वो एवोल्यूशन पार्ट्स में डिस्कस करने करना होगा उससे आप कन्फ्यूज हो सकते हो फाइन तो हम यहाँ पे अब स्टॉप करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड एट द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे